अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है और बस किस सुबह हो गई और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8 और आज सुबह 4:30-5 बजे संडे। हाँ संडे, तो अब स्कूल बंद है तो याद भी नहीं है कि संडे या मंडे, रोज़ संडे ही है तुम्हारे लिए और इसको याद भी नहीं है कि आज संडे है। और सुबह 4:30 या 5 बजे इतनी आंधी बारिश एकदम हुई और अच्छी खासी, और एकदम सुबह में एकदम ठंडा मौसम हो गया है, अभी भी बादल ही लगा हुआ है और अच्छा मौसम है बहुत। और आज आरिस सुबह में जाने वाला था अतीत के साथ साइकिल चलाने के लिए, कल साइकिल बनवाया तो आज उसका प्रोग्राम था कि जाएंगे सुबह 5:30 में, ये लोग जाएगा उधर साइकिल चलाने, उधर पुल पे जाएगा, नया पुल बना है वहाँ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा सुबह में तो बारिश होने लगी तो कहीं कोई गया नहीं और बस चला गया है। चलो कॉलेज में चला के आओ, यहाँ पे अभी तो सुबह है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, 8 बज रहा है लेकिन एकदम बादल लगा हुआ है, बारिश हुई है और लेकिन है जमीन उमीन उतना नहीं भींगा हुआ है, लेकिन है सूखा सूखा बालू वहाँ पे जो रखा हुआ है, हाँ तो वो भींगा हुआ है बालू जो था वहाँ पे। और मसाला पीस लिया, प्याज पीस लिया और मीट को भी छोटा छोटा काट करके और उसको मिक्सर में पीस लिया और इसमें अब सब प्याज व्याज सब डालेंगे, प्याज ड्राई मसाला और इधर आलू भी डाल देंगे उसमें, तो आलू को भी काट कर पानी में डाल के रख दिया तो ठीक रहता है ना, नहीं तो अगर ऐसे ही रख देंगे ना तो ये फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसमें डाल करके रख दिया। और ज़्यादा आलू नहीं डाल रहे, थोड़ा ही सा डाल रहे, 2 ही आलू डाल रहे और अब जा रहे हैं जल्दी से, पहले मीट बॉल बनाते हैं। और अभी शाम के 5:30 हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो नया पुल बना है जिस पर आरिस लोग सुबह में जाने वाला था, हम तो गया नहीं और मना भी कर रहे हैं कि नया पुल है वहाँ पर, बहुत एकदम स्पीड में गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक चलाता है सब लोग, तो बस उसको जिद है कि नहीं उस पुल के एंड तक जाना है और एंड पे फिर वहाँ पे गंगा ख़त्म होती है और वहाँ पर बहुत अच्छा है, मैरीन ड्राइव की तरह कह रहा है, वहाँ पर भुट्टा उट्टा भी सिखाता है और शाम में बहुत अच्छी लाइटिंग रहती है वहाँ पर की, तो वहीं जा रहे हैं। इसको बोले कि चलो ठीक है हम तुमको ले चलते हैं, साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है, डर लगता है कि पता नहीं कैसे जाएगा क्या जाएगा ये और अतीब दोनों, तो बस अभी हम काशिफ और आरिसी जा रहे हैं और पता नहीं अतीब का, अतीब तो सुबह में गया था आज तो वो बोला कि गए थे फिर बारिश हो रही थी तो लौट आए, तो बस अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं और पापा भी आ गए नमाज़ पढ़ के असर की और हम भी पढ़ लिया नमाज और अब जा रहे हैं, पापा ही का वेट कर रहे थे कि पापा आ जाए नमाज पढ़ के तो उसके बाद फिर निकलेंगे। और ये जो नया पुल बना है वो 11 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे हम लोगों को जाना है वो यहाँ से हम लोग के घर से 11 किलोमीटर है और फिर उसके आगे अगर हम लोग फिर चले जाते हैं तो वो फिर वही वाला पुल सोनपुर चला जाता है, लेकिन हम लोगों को बस वही गंगा के किनारे जाना है और तो वहीं तक जाना, तो यहाँ से हाँ मैरीन ड्राइव है वहाँ पे, पटना मैरीन ड्राइव वही जाना है, तो यहाँ से 11 किलोमीटर जाने में और 11 किलोमीटर आने में तो 22 किलोमीटर है टोटल, तो देखते हैं, कभी गया तो नहीं है, आरिस जी को जाना है, बहुत दिल है उसको कि जाने का, तो बोला चलो आज चलते हैं, आज संडे है। और सुबह में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी धूप निकल गई है, लेकिन शाम हो गई है तो अब वैसी बहुत तेज़ धूप नहीं है, लेकिन मौसम क्लियर है, बादल नहीं है, बारिश वारिश नहीं हो रही है, मौसम एकदम साफ है। और अभी फ़िलहाल 5:30 हो गया है, निकलते निकलते सोचा था 4:30 में निकलेंगे लेकिन वही व्लॉग एडिट करने लगे तो एडिट कर दिया है, अब एक्सपोर्ट पर लगा करके जा रहे हैं, तो आ करके उसके बाद फिर सारा उसका लिखना विखना जो है वो करेंगे। Thank you.
पहुंच गए और ये सामने पूरी गंगा नदी है और बस हम लास्ट में जा रहे हैं। ये गंगा नदी है, यही तो बनना पड़ता है, यही है। यहाँ पे काफी कार वार रुकी भी है, लोग सब खड़े हुए भी हैं, बहुत सब भी है, तो यही है। और अब उतरते हैं मुझे देखने, और अभी काम भी चल रहा है और अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं। काफी यहाँ पे हर चीज का स्टॉल भी लगा हुआ है, सब चीज मिल रहा है, पॉपकॉर्न मिल रहा है, गोलगप्पा, चाट और काफी चीज मिल रहा है यहाँ पे, आइसक्रीम। और नीचे भी काफी लोग उतरे हुए हैं, तो हम लोग अभी बस आगे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। इधर से नीचे उतरने का है, स्लोब है और बस अब किश्ती सामने, किश्ती नाव भी है। और और यहाँ पर ऐसे पत्थर सब रखा गया है कि अगर बाढ़ आए तो फिर मिट्टी को लेकर के नहीं जाए, मिट्टी नहीं कटे, इसलिए इस तरह से तार से बांध बांध करके पत्थर सबको रखा गया है, तो काफी दूर तक इसी तरह से बंधा हुआ है। बस अब चलते हैं नीचे, चलिए। और अब नीचे जा रहे हैं और काफी नाव चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, नाव चल रही है। और अब जा रहे हैं नीचे, और बस इससे नीचे तो हमको कीमत में नहीं जाना वाला। कहाँ वहाँ, यहाँ देखो ना रास्ता, देखो ना रास्ता है। बाप रे, ऐसा रास्ता है कि डर ही लग रहा है, बोरा रख रख करके रास्ता बनाए। अरे बाप रे, उधर से नहीं उतर सकते, नहीं नहीं यहाँ काफी, इससे ज्यादा नहीं जा। और काफी किनारे में आ गए हम लोग और खाली पानी ही पानी सब तरफ नजर आ रहा है, गंगा नदी, और कितनी सारी नाव चल रही है, लेकिन हम लोग नाव पे बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि अब किनारे पे है ही नहीं और पता नहीं बैठाता भी है कि नहीं बैठाता है। और काशिफ से एकदम किनारे चले गए लेकिन हम लोग नहीं, और काफी लोग सब भी बैठे हुए हैं किनारे में, हैं सब लोग सब। और बारिश भी जा रहा है पानी में थोड़ा आगे, बस ये जहाँ तक काशिफ है वहीं तक जा रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है। ज्यादा दूर नहीं जाना, बस हो गया, अब मत जाओ। और नाव जो है वो और पास आते जा रहा है, और अगर इधर आता तो उससे पूछते कि घुमाएगा तो हम लोगों को एक राउंड लगा देता, लेकिन नहीं घुमाएगा लगता है, वो अपना कहीं जा रहा है। और उधर उधर जो बोट वाली दो है, एक ये और एक ये वाले, ये सब तो लंबी लंबी है एकदम, काफी लोग सब है, बहुत भीड़ हो रही है। और हम लोग अभी जा रहे हैं उसके लिए, नाव के लिए, पता करने के लिए कि अगर हम लोगों को घुमाएगा तो फिर हम लोग बैठेंगे। अभी बस आगे जा रहे हैं हम लोग नाव का पता करने, और अब जा रहे हैं यहाँ से नीचे उतरेंगे और वो जो किनारा है वहीं पर नाव मिलती है, अगर होगी तो फिर अवेलेबल, अभी अगर हुआ खाली रहा तो फिर हम लोग बैठेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे यहाँ से उतर करके, और इधर भी इस तरफ भी काफ़ी लोग हैं, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है, लोग सबकी भीड़ हो रही है इस तरफ भी। बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ एकदम, और पालू है ना तो पूरा मेरा पैर अंदर चला जा रहा है यहाँ पे। और अब इस किनारे पे आ गए हैं, देखें एक, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा है अभी कोई भी किनारे पे, तो कोई भी बोट लगी हुई नहीं है, कोई भी नाव नहीं है, वेट करेंगे थोड़ा देर, अगर आए हो सकता है यहाँ पे तो फिर हम लोग बैठेंगे। अच्छा ये वाली जो नाव है हिल कैसे रही है, तो इस पे लोग सब जो है अपनी बाइक भी लेकर के, साइकिल लेके जा रहे हैं, तो उस तरफ कोई गांव है तो बाइक से ये वाली नदी क्रॉस करते हैं और इसी पर बैठ करके और क्रॉस करते हैं, वही जा रहे हैं सारा लेकर के। तो इस पे तो खैर नहीं बैठेंगे, ये पूरा अजीब सा देख के भी डर लग रहा है इसको। और अभी आगे ये वाली नाव जो ये खाली है, पता नहीं, अभी काशिफ बात कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर एक राउंड घुमाए तो फिर बैठेंगे। और एक नाव तो मिली हम लोग को खाली, हम लोग जा रहे हैं उस पर, लेकिन डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और इधर से भी उतरना है और इसके डर से हालत ख़राब है और हमको भी बहुत डर लग रहा है।
और एक तो रास्ता इतना अजीब सा है यहाँ पर कि उतरना और चढ़ना भी मुश्किल है। पानी देख देखे कि डर लग रहा है, और यहाँ से ऐसे नीचे उतरना है। और वो वाली जो नाव है उस पर जा रहे हैं, जो खाली है, सिर्फ हम लोग तीनों ही जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। तो इधर से नीचे उतरते हैं और वो भी नाव यहाँ पे ला रहा है किनारे पे, फिर उस पर बैठेंगे। तो देखते हैं कैसा लगता है, यहाँ आ गए हैं तो ये एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। कभी बैठा नहीं है, एक बार बैठा है लग रहा है बहुत पहले, वो भी हाथ वाले पे बैठा था काफ़ी पहले, हम लोग आरिस के इतने बड़े थे तो आ गए नाव पे और आरिस अब आ रहा है ऊपर, आरिस भी चढ़ गए और हम लोग किधर बैठे। अरे अरे तो हिल रहा है यार, अरे छोड़ो उनको, छोड़ो इसको। और बैठ गए हम लोग और आरिस का डर से हालत खराब है और हमको खुद डर लग रहा है। खाली पानी ही पानी है और एक राउंड हम लोगों को बस लगाना है। देख रहे हैं कैसा लगता है, काफी लोग तो घूम ही रहे हैं, तो हम लोग वहां तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे और फिर वहां से मुड़ करके आएंगे। और बस हम लोग एकदम आगे आ गए हैं, सूरज देखने में इतना अच्छा लग रहा है और अभी सनसेट होने वाला है, बस आधा घंटा और है, आधे घंटे से भी कम होगा। तो सूरज एकदम नीचे आके लग रहा है कि एकदम हम लोग उसके पास आ गए और पूरा हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम लोग किनारे पर आ गए, उस छोर से इस छोर पे आ गए हैं और अब नाव लगेगी, उसके बाद फिर हम लोग उतरेंगे। और इतनी आवाज़ हो रही थी इस जनरेटर की, पता नहीं मेरी आवाज़ सही से व्लॉग में आ रही थी या नहीं आ रही थी। और बस अब सनसेट होने वाला है, बस थोड़ी देर और है, सूरज एकदम नीचे आ गया और 10 मिनट और है। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में सूरज भी, और हम लोग इधर आ गए और इस तरफ एकदम सन्नाटा, उधर इतनी शोर, इतना इतने लोग थे और इस तरफ सन्नाटा हो गया और अब खड़े हो रहे हैं, उतर रहे हैं और इस ऑलरेडी उत्तर खड़ा हो गया और हम भी जा रहे हैं, उतरेंगे। नाव लग रही है किनारे पे और उसके बाद फिर और आगे और इधर से उतरना है। तो आज हम लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, वो स्टंट कर रहे हैं देख के तो डर लग रहा है और बीच में पानी भी है। तो काशिप उतर गए पहले, उसके बाद फिर हम लोग उतरेंगे। ठीक से नाव पकड़े हुए ना आप, छोड़िएगा नहीं। और अब हम उतर रहे हैं, बाप रे कहाँ पैर रखे मम्मी, बाप रे। और अब इधर पानी है बीच में इसको, और ये बीच में पानी है, इसको क्रॉस करके हम लोगों को जाना है उधर। अरे बाप रे सही में। और काशी अभी किनारे से 3 मछली पकड़े हैं, तो ये 3 मछली है थी किनारे पे, हम लोग नाव से उतरा तो किनारे में थी, तो वही 3 छोटी छोटी मछली है। और ये जो है ना, ये पीछे अगर इस तरफ और आगे बढ़ेंगे ना, तो इधर यहाँ से कोई दूसरा गांव शायद स्टार्ट हो जाता है। अच्छा इधर से दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है और बस अब सनसेट होने वाला है। और आरिस कहाँ चला गया, इतना आगे चला गया, एकदम इतना आगे चला गया है, अब मना कर रहे हैं उसको नहीं जाने के लिए, चला गया आगे आगे एकदम। कहाँ आ गए हम लोग, एक आदमी नहीं है, एकदम सन्नाटा है। और यहाँ पर एक नाव लगी हुई है, रेत पे ला करके लगाया हुआ है, यहाँ पानी में नहीं है, सूखे में लगी हुई है। और इधर से ये जो रास्ता जा रहा है, ये शायद कोई गांव के लिए जाता है। और यहाँ पर हैंड पंप भी है लेकिन कोई यूज़ नहीं लग रहा है, ख़राब है, बंद है। तो इसके बाद इस तरफ उस तरफ कोई गाँव शुरू हो जाता है। और यहाँ सूखे में एक नाव लगी हुई है। हाँ हाँ अच्छा, जब बाढ़ आता है तो ये सब सारा आगे तक एकदम सब डूब जाता है। अभी तो इसलिए रेत है यहाँ पर, इतना रेत इसीलिए है, लोग उसी में आता जाता नाव से बाढ़ में। अच्छा, और अब जा रहे हैं हम लोग, बस बोट लगी हुई है वहीं पर, हम लोग की नाव उसी से बस जा रहे हैं। शाम हो गई है, अंधेरा होने से पहले क्रॉस कर ले गंगा नदी, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा तो और ज्यादा डर लगेगा।
और अब जा रहे हैं फिर खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए। और ये पुल क्रॉस करके जो बना हुआ है और उस पर नाव पर बैठना है सबसे भारी काम है। डर लगता है, हिलता है ऐसे ऐसे नाव, तो इतना डर लगता है। और आगे नाव पर बैठ गए हम लोग और अब फिर मशीन स्टार्ट होने वाला है। और अब हम लोग जा रहे हैं उधर, पुल है ना उधर जा रहे हैं पुल की तरफ। ये जो पुल नजर आ रहा है उसके नीचे से होते हुए फिर हम लोग निकलेंगे और फिर से ये जनरेटर स्टार्ट हो गया। आदमी कैसे स्विमिंग कर रहे हैं गंगा नदी में लेट करके एकदम। और हो गया, हम लोग किनारे पे पहुंच गए और ये बंद हुआ। हाँ अब उतर रहे हैं, किनारे पे चला जाए तो। और आरिज ऑलरेडी खड़ा हो गया और एकदम चला जाए किनारे पे तो हम उतरेंगे। डर लगता है, नाव ऐसे ऐसे हिलती है किनारे पे जब लगता है ना तो नाव ऐसे ऐसे हिल रही है। और बस अब किनारे पे लग रही है। और आगे हम लोग वाले पुल से होते हुए आए हैं तो बहुत मतलब गए तो थे ऐसे ही डायरेक्ट और घूम पूरा पूरा गोल गोल घूम करके आए हैं तो अच्छा हुआ, मज़ा आया। और बस अब उतरते हैं नीचे और अब वो नाव को अभी किनारे लगा रहा है तो उसके बाद उतरेंगे। और अब कुछ और लोग भी जा रहे हैं घूमने के लिए दूसरे नाव से। और अब एकदम शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है तो यहाँ पर भुट्टा बहुत अच्छा मिल रहा है सेक करके, एकदम गर्म गर्म दे रहा है तो जा रहे हैं भुट्टा खाते हैं। देख करके इसकी जो खुशबू आ रही है ना, दिल कर रहा है खाने का। आरिस तुमको दिल कर रहा है भुट्टा खाने का? तो जा रहे हैं अभी भुट्टा ही खाएंगे। तो ये तो हम लोग जहाँ पर उतरा था पहले गए थे वहाँ पर भुट्टा मिल रहा है और ये हम लोग आए थे बोट के लिए, थोड़ा दूर इधर आए थे तो अभी फिर वहीं जा रहे हैं। थक गए, इतना लंबा डिस्टेंस है ना, चलते चलते थक गए। आप रहे जा रहे हैं अभी भुट्टा खरीदते हैं। यहाँ पर काफी भुट्टा खाने के लिए लोगों की नंबर लगा हुआ, 8 लोग के बाद हम लोग का नंबर आएगा तो अभी तो 8 के बाद हम लोग को वेट करना पड़ेगा देखने के लिए, अगर और कहीं मिल रहा होगा तो फिर उधर से लेने तो वहीं पर वेट करना पड़ेगा, 8 लोग के बाद हम लोगों का चांस आएगा। काशी गए हैं भुट्टा चुनने के लिए, उसमें से छोटा छोटा जो अच्छा भुट्टा रहेगा छोटा छोटा सा फिर वही वाला हम लोग लेंगे तो टाइम लगेगा, वेट कर रहे हैं। ठीक है रुकते हैं करके फिर हम लोग को दीजिए जल्दी से, वेट करते हैं। इस चार के बाद मेरा नंबर है ना, चलो ठीक है इस चार के बाद मेरा हम लोग का नंबर है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है लोगों की भीड़ और ज्यादा होती जा रही है, जब हम लोग आए थे तो इतनी ज्यादा रश नहीं थी और अभी और ज्यादा एकदम रश हो गई है बाइक की गाड़ी की और ज्यादा और लोगों की भीड़ हो रही है। यहाँ पे ये सब जो स्टॉल लगा हुआ है हर चीज का, खाने वालों की पूरी भीड़ हो रही है, घूमने वालों की, इधर पॉपकॉर्न भी मिल रहा है आइसक्रीम और ज्यादा भी लोग। ये वाले जो पुल है उस पर लाइट जल गया, लाइटिंग हो गया, इस तरह से अच्छा लग रहा है देखने में। और हम लोग इसी पुल से होते हुए हम लोगों को लेकर के आया तो मजा आया नाव। और अब हम लोग का नंबर आया, इतनी ज्यादा रश है भुट्टा लेने के लिए, अब हम लोगों का नंबर आया। तीन आप लोगों का है और एक किसी और का है, तीन हम लोग का। आपके भुट्टे का इतना डिमांड है तो आप एक चूल्हा और लगा लीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, पता क्या हमने पड़ता है 5 रुपया दहा खुला ले जाइए और लेमू लगा के खाएंगे, मिर्च नहीं दे रहे दो कहाँ से देंगे। हाँ ये बोले है तो
लिए हैं, भुट्टा खा रहे हैं और देखते हैं भुट्टा खा करके अगर दिल किया तो कुछ और खाएंगे, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर। भुट्टा भी खा लिया और अब जा रहे हैं, और आरिस को भी कुछ और भी खाना है तो देखते हैं। काशिप को थोड़ा सा आगे लजीज पिज्ज़ा के पास कुछ काम भी है, कुछ लेना है तो वहाँ पर कुछ सामान दिए हुए थे तो वो लेना है, तो नहीं तो वहाँ पर से भी कुछ देखेंगे। दिल किया तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे और उसके बाद फिर खाते हुए घर चले जाएंगे। तो मज़ा आ गया यहाँ पर। और भुट्टा भी बड़ा अच्छा था, गर्म गर्म जो सेक के दे रहा था भुट्टा, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और हम लोग अब आ गए पाटलिपुत्रा स्टेशन। तो ये पाटलिपुत्रा स्टेशन है, यहाँ ट्रेन भी लगी हुई है, वो आगे आ गए। और ये पाटलिपुत्रा स्टेशन है, और ये जो गुंबद है उस पाटलिपुत्रा स्टेशन में जो ये नजर आ रहा है, इसका कलर चेंज होता रहता है। अभी ब्लू हो गया है, अब थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, और अब हल्का लाइट पर्पल हो रहा है, तो ये थोड़े थोड़े देर पर इसका कलर चेंज होता है। क्या करने और कई कुछ जगह की ट्रेन, बॉम्बे की ट्रेन हर जगह की यहीं से जाती है, यहीं से मिलती है और यहाँ पे। और ये अब चेंज हो गया, और अब ब्लू, और ब्लू हो गया, पर्पल कलर हो गया, बैगनी टाइप का वैसा कलर हो गया, इसका कलर चेंज होता है। और अब रेड हो गया, थोड़ी थोड़ी देर पे इसका कलर चेंज होता रहता है। शवरमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आया है कि नहीं शवरमा, ऑर्डर दे दिया है, शवरमा अभी तक नहीं मिल रहा है, यहाँ अभी तक नहीं आया है शवरमा जो बनाते हैं। तो पिज्ज़ा ही मिल रहा है, पिज्ज़ा दिया है और चिकन पॉपकॉर्न का दे दिया है और बस कोक। और आरिस अपने लिए मॉकटेल दे दिया, अभी ग्रीन एप्पल मॉकटेल दिया, मजीटो ग्रीन एप्पल मजीटो का, तो 15 मिनट लगेगा। और सोचा कि जब इधर आ गया काशी को कुछ लेना था तो इस तरफ आ गया, तो कुछ खा ही लेते हैं। पिज्जा भारत का, ग्रीन एप्पल मॉकटेल और चिकन पॉपकॉर्न हो गया, खा लिया, वापस निकल रहे हैं यहाँ से। पापा का भी फोन आया था, वो भी जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, और 8:30 बजने वाला है। हम लोग का खाना तो हो गया, यही पिज्ज़ा और चिकन पॉपकॉर्न खा लिया, तो हम लोग का बस खाना हो गया आज का रात में। अब कोई कुछ नहीं खाएगा, सबका पेट भर गया। और आ गए घर, पहुँच गए, और पापा तो नहीं है, नमाज पढ़ने गए हैं और जा रहे हैं। पहले जल्दी से चेंज वेंज करते हैं, नहाते हैं, अजीब सा एकदम चिपचिपा सा बदन हो रहा है, मुंह चेहरा वगैरह एकदम हाथ और चिपचिप चिपचिप हो रहा है। वहाँ पे इतनी गर्मी थी, और व्लॉग को गए थे एक्सपोर्ट पे लगा के, तो हो गया, तो वो भी करना है, पब्लिश भी करना है। और 9:05 हो रहा है, और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:45। तो पापा भी नमाज पढ़ करके आ गए, हम लोग भी फ्रेश फ्रेश हो लिया, और खाना तो अपनी खाएंगे। इतना पिज्ज़ा खा लिया, चिकन पॉपकॉर्न खा लिया, कोल्ड ड्रिंक, फिर वहाँ पर भुट्टा भी खा लिया था, तो वो भुट्टा बड़ा अच्छा लग रहा था, ताज़ा ताज़ा एकदम सामने में सेक करके और उस पर नमक और लेमू लगा करके दे रहा था, तो वो बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो बस पेट तो एकदम भर ही गया, तो अब और 10 बजने वाला भी है, 9:45 हो गया, तो बस अब इस ब्लॉग को एंड करेंगे। और अच्छा लगा, वहाँ पर नहीं पता था हमको कि इतनी ज़्यादा रश होगी, इतना लोग आते होंगे। आरिस कह रहा था तुमको लगा कि हो सकता है बस होगा, हल्का फुल्का सन्नाटा होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन शाम होते होते तो और ज़्यादा एकदम रश हो गई थी, सारे लोग एकदम भीड़ हो गई थी, और सामान सब वहाँ पर खाने का इतना सारा स्टॉल ये सब मिल रहा था, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो खैर अच्छा हुआ चले गए, हम तुमको तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा होगा, आरिस की जिद पर ही गए थे।
और बस अब इस ब्लॉग को एंड करेंगे। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।